क्या आपको भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मेल रिसीव हुई है रिस्पॉन्स टू कंफर्म और रिवाइज क्लेम ऑफ रिफंड? तो आज की वीडियो होने वाली आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात है, ये इसमें कोई नोटिस नहीं है तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो वीडियो में हम पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे कि अगर आपको ये मेल रिसीव हुई है तो उस केस में आपके पास दो केसेस होते हैं। एक तो आपने बिल्कुल एक्यूरेट रिटर्न फाइल की है और आपका जो रिफंड है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, तो आपको इसका रिप्लाई कैसे करना है। सेकंड केस, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने रिटर्न में कुछ गड़बड़ी की है तो उस केस में आपको रिप्लाई कैसे करना है। तो दोनों ही केस हम बिल्कुल क्लियर इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे, प्लस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस बेनिफिशियल लग रही है तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल नॉलेज वेयर हाउस। प्लस अगर इनकम टैक्स से रिलेटेड आप कोई सर्विसेस लेना चाहते हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने अपना नंबर जो है मेंशन कर दिया। अभी तक अगर आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई और आपके पास मेल आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिस्पॉन्स टू कंफर्म या फिर रिवाइज क्लेम ऑफ रिफंड, तो आपको इस केस में क्या करना है? सबसे पहले तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नोटिस नहीं है, ये सिर्फ कंफर्मेशन मेल है। इसमें वो आपको ये बोलता है कि आपने जो इनकम टैक्स के रिटर्न में जो भी डाटा डाला हुआ है वो करेक्ट है या नहीं करेक्ट, उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो, कन्फर्म कर रहे हो कि वो करेक्ट है या नहीं करेक्ट। तो चलिए पढ़ते हैं किस मेल में क्या लिखा है। डियर टैक्स पेयर, इट इज सीन दैट द क्लेम ऑफ रिफंड हैज बीन मेड। वो ये कह रहा है, जो आपने क्लेम किया है रिफंड इनकम टैक्स के रिटर्न में इस पैन नंबर से और इस असेसमेंट के लिए, जो कि आपने रिटर्न का फाइल की है 18th of July 2000 के बाद कर रहा है वो, कि जो आपने क्लेम रिफंड किया है इनकम टैक्स के रिटर्न में इस पैन नंबर में और असेसमेंट ईयर में और आपने रिटर्न का फाइल की है इस डेट को, योर इनकम टैक्स रिटर्न हैज बीन आइडेंटिफाइड अंडर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। वो क्या बोल रहा है, आपकी जो रिटर्न है वो आइडेंटिफाई हुई है एक रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के। इन दिस कंटेक्स्ट, इस कंटेक्स्ट में आपको चाहिए, योर कंफर्मेशन इज रिक्वायर्ड। क्या बोल रहा है, आपकी कंफर्मेशन चाहिए कि आपने जो क्लेम्स डिडक्शन या फिर ओमिशंस जो भी किया है रिटर्न में वो करेक्ट है या नहीं करेक्ट। ठीक है, वो क्या बोल रहा है, सिर्फ आपकी कंफर्मेशन चाहिए, जो भी आपने रिटर्न में क्लेम्स या फिर डिडक्शन क्लेम की है वो सारी करेक्ट है या नहीं करेक्ट। अब वो आगे बता रहा है क्या क्या रीजन है उसका ये नोटिस भेजने का। इट इज सीन दैट यू हैव क्लेम्ड हायर डिडक्शन अंडर सेक्शन अंडर चैप्टर 6A इन योर रिटर्न ऑफ इनकम कंपेयर टू द अमाउंट रिपोर्टेड बाय द एम्प्लॉयर इन फॉर्म 16। कभी कभार क्या होता है कि आप अपने जो एम्प्लॉयर है उसको, कभी कभार क्या होता है कि आपके जो एम्प्लॉयर ने आपको फॉर्म 16 में जो चैप्टर 66A की जो डिडक्शंस है वो 1 लाख ली है सिर्फ, और आपने जो इनकम टैक्स की रिटर्न में है वो 1.5 लाख ले ली। तो इस केस में क्या हो रहा है, आपका मिसमैच हो रहा है कि फॉर्म 16 में तो आपकी 1 लाख आ रही है, आपने रिटर्न में कितनी ली है, 1.5 लाख ली है। तो वो भी एक रीजन है कि आपको जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ये आपका कंफर्मेशन लेटर कंफर्मेशन मांग रहा है, क्योंकि जो आपकी ये दोनों में मिसमैच हो रहा है ना, आप रिटर्न में तो ज्यादा ले ली और जो आपका जो एम्प्लॉयर है जिसने फॉर्म 16 आपको इश्यू किया उसने कम लिया है, तो इसीलिए वो आपसे मांग रहा है क्लेम इन रिटर्न ऑफ इनकम टू मेंटेन कंसिस्टेंसी विद इंफॉर्मेशन रिपोर्टेड बाय द बाय योर एम्प्लॉयर इन टीडीएस रिटर्न। इसलिए वो कह रहा है कि आप वेरीफाई करो जो आपने रिटर्न ऑफ इनकम में अपनी इंफॉर्मेशन डाली है और आपकी जो टीडीएस की रिटर्न जो आपके एम्प्लॉयर ने भरी है वो मैच नहीं कर रही है। आप देखो कभी कभार क्या होता है कि आप जो है वो जो आप जो है आपने डिडक्शन की होती है, मतलब आपने काफी सारी चीजों में इन्वेस्टमेंट की होती है, लेकिन आप अपने एम्प्लॉयर को डिटेल्स देना भूल जाते हैं या फिर रह जाती है, तो उस केस में क्या होता है, एम्प्लॉयर तो सिर्फ वही वाली डिडक्शंस क्लेम करते हैं जो जिसके डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोवाइड कर दिए, लेकिन जो इनकम टैक्स रिटर्न में आप सारे डॉक्यूमेंट्स सारी क्लेम्स लेते हैं जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो इस केस में आप तो पूरी इन्वेस्टमेंट लेते हैं लेकिन जो आपका जो एम्प्लॉयर है वो वही इन्वेस्टमेंट लेता है, वही डिडक्शंस लेता है जो कि आपने उसको प्रोवाइड की है। ये भी रीजन हो सकता है इस मिसमैच का, या तो आपने उसको एचआरए की रिसीट्स नहीं दी और जो एम्प्लॉयर है उसने एचआरए की क्लेम ही नहीं किया और आपने अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न में एचआरए का क्लेम किया,
तो इस केस में भी जो है आपकी जो फॉर्म 16 है और जो आपकी रिटर्न है वो मैच नहीं करती, जिसके लिए जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना एआई लगा के चेक करता है तो आपकी जो है मिसमैचेस आते हैं, तब भी आपको वो ये वाला जो है मेल भेजता है कंफर्मेशन के लिए। तो इसलिए बेसिकली हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम एम्प्लॉयर को डिटेल्स दे रहे हैं टीडीएस के लिए, तो हम इन फुल फ्लेज सारी की सारी डिटेल्स उसको होते हुए कि इन केस जब हम अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरे तो उसमें और हमारे फॉर्म 16 में कोई मिसमैच ना हो। अगर हम एटीसी में कोई डिडक्शन ले रहे हैं तो वो भी उसको सारा दे, एटीडी में कोई डिडक्शन हो रही है, मतलब जितनी भी हम सारी डिडक्शंस ले रहे हैं चाहे वो एचआरए की हो, वो सारी की सारी अपने जो एम्प्लॉयर को है वो प्रोवाइड करे, जिससे जो एम्प्लॉयर ने जो हम फॉर्म 16 इश्यू करेगा और या तो वो अपनी टीडीएस की रिटर्न भरेगा, उस केस में हमारी जो डिटेल है जो हम इनकम टैक्स की रिटर्न में भरते हैं और उसने जो हमें फॉर्म 16 दिया हुआ है वो सारी चीजें हमारी बिल्कुल मैच कर जाए और हमें इन फ्यूचर कोई ऐसे रिस्पॉन्स ऐसे कंफर्मेशन की मेल ना आए और हम बेफालतू में टेंशन क्रिएट ना करें। इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने एम्प्लॉयर को सारी की सारी इंफॉर्मेशन टाइम पे और इन करेक्ट मैनर में प्रोवाइड करें। आप देखो ये बेसिकली ये जो इसका मेल आई है वो इसीलिए तो आई है कि जो आपने चैप्टर 6A में अपनी रिटर्न में तो ज्यादा क्लेम कर ली, हायर डिडक्शन क्लेम कर ली, लेकिन आपकी जो फॉर्म 16 में जो एम्प्लॉयर ने है वो क्लेम ही नहीं की। वो मैंने आपको बता दिया उसने, जैसे आपने 1.5 लाख क्लेम कर दी होगी और जो आपके एम्प्लॉयर ने फॉर्म 16 में सिर्फ 1 लाख की ली हुई है, तो इस केस में क्या हो रहा है, वो कह रहा है आप ज्यादा कैसे क्लेम कर सकते हो जबकि आपके फॉर्म 16 में तो कम आ रही है। तो इसलिए अगर हमारी क्लेम, अगर हमने डिडक्शंस जो ली है इनकम टैक्स की रिटर्न में बिल्कुल ठीक है, हमने एचआरए बिल्कुल ठीक लिया हुआ है, हमारे पास रेंट एग्रीमेंट है, रेंट रिसीट है, सारी चीजें हैं, प्लस हमने हमने जो एटीसी एटीडी वाली डिडक्शंस क्लेम की हुई है उसके पास उसके रिलेटेड हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, वो फेक नहीं है, वो बिल्कुल एक्यूरेट है, तो उस केस में हमें डरने की जरूरत नहीं है। मैं आगे आपको प्रोसेस बताती हूँ कि आपको करना क्या है, लेकिन अगर आपने फेक की है कि मेरा रिफंड बन जाए तो उस केस में आपको क्या करना है, वो सारे स्टेप हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेशन इज इंटेंट टू अलर्ट यू ऑन एनी पॉसिबल इनकरेक्ट क्लेम और ओमिशन इन द अबव मेंशन रिटर्न ऑफ नोटिस, कि एक एक सिर्फ अलर्ट है, कम्युनिकेशन एक अलर्ट है, कोई नोटिस नहीं है कि आपने कोई करेक्ट तो नहीं, इनकरेक्ट जो ओमिशन तो नहीं ली हुई, इनकरेक्ट क्लेम्स तो नहीं ली हुए इनकम टैक्स रिटर्न में, तो जस्ट एक कम्युनिकेशन है। रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ योर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इज अवेलेबल इन द एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट अंडर सर्विस मेन्यू इन ई फाइलिंग पोर्टल पोस्ट लॉग इन। अगर आप लॉग इन करते हैं तो आपको सर्विस मेन्यू में ए आई एस की इंफॉर्मेशन दी हुई है, आपको वो भी सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए इनकम टैक्स की साइट पे अवेलेबल है। तो जब जो भी आप कोई रिस्पॉन्स सबमिट करो तो आपको बहुत जरूरी है कि आप ए आई की सारी इंफॉर्मेशन, एआई में जो भी आपसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी आप चेक करो, जिससे आप एक्यूरेट और कंप्लीट डिस्क्लोजर कर सकते हो अपनी इनकम का। आप देखो क्या करेगा, लॉगिन करना पड़ेगा इनकम टैक्स के पोर्टल पे, उसने पूरा प्रोसेस बता रखा है यहाँ पर, वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाती हूँ इनकम टैक्स की साइट खोलकर। ये इससे पहले हम देखते हैं कि जो भी आपको आप जो भी रिप्लाई कर रहे हो वो जरूरी है, प्लीज वेरीफाई दैट द क्लेम मेड इन योर रिटर्न फाइल सबमिट रिकनकम फाइल्ड एंड सबमिट ऑफ योर रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली विद इन 30 डेज। जब भी आपको मेल रिसीव हो रही है उसके 30 डेज में आपको जरूरी है कि आप उसका रिप्लाई कर दे। अगर आप रिवाइज इन केस ऑफ एनी, अगर आप कोई भी इनकरेक्ट क्लेम्स या ओमिशन कर रहे हैं तो आपको जरूरी है कि आप उसकी रिवाइज रिटर्न फाइल कर दे। देखो कभी कभी कि फेक अपनी डिडक्शंस ले लेते हैं, क्या पता हमारी रिटर्न प्रोसेस हो जाए, तो इन केस अगर आपके पास ये लेटर इन मेल आ जाती है तो उस केस में आप अपनी जो रिवाइज रिटर्न है वो रिवाइज कर ले और डिडक्शन जो है वो अपनी एक्यूरेट ले। मैंने लॉग इन किया इनकम टैक्स की साइट पे। इनकम टैक्स की साइट क्या है हमारी, www.incometax.gov.in। यहाँ पर मैंने यूजर आईडी अपना एंटर किया, तो यूजर आईडी हमारा पैन नंबर आधार नंबर दोनों में से कोई भी हो सकता है। फिर उसने पासवर्ड की डिमांड की, तो यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड भी एंटर कर दिया। तो मेरा देखो ये पेज ओपन होकर आता है, पेज ओपन में मैं ये देखती हूँ कि यहाँ पर मेरी जो पेंडिंग एक्शन है मुझे वहां पर जाना है। पेंडिंग एक्शन में मेरे पास बहुत सारे ड्रॉप डाउन है, यहाँ पर मुझे क्या करना है, वर्क लिस्ट को क्लिक करना है। में कोई भी डाटा नहीं है। कभी कभार क्या होता है, जब मेरे पास मेल आती है तो उसके 2-3 दिन बाद ही मेरी ये जो वर्क लिस्ट है ये अपडेट होती है। लेकिन मैं आपको समझाती हूँ कि अगर आपके पास ये मेल आए तो वर्क लिस्ट में क्या क्या चीजें आएंगी।
वर्क लिस्ट में ये चीजें आएंगी जब आपकी अपडेट हो जाए, एक्शन पे मैंने क्लिक करूंगी तो यहाँ पर मेरा है रिस्पॉन्स टू रिफंड कंफर्मेशन। यहाँ पर मेरी जो रिफंड की कंफर्मेशन की उसने सारी डिटेल्स दे दी है कि एक्नॉलेजमेंट नंबर आपका ये है, असेसमेंट ईयर ये है, और आपकी जो कंफर्म या फिर रिवाइज आपके पास लेटर आ गया और अभी तक आपने उसको सबमिट नहीं किया। यहाँ पर उसने पैन नंबर दे दिया और लिखा है कि रिफंड क्लेम आपकी जो ITR है 38,000 है। तो मेरी ये वाली जो रिफंड की वो कंफर्मेशन मांग रहा है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, तो मैंने यहाँ पर कर दिया उसको सबमिट, करती हूँ रिस्पॉन्स। उसके बाद मेरे पास ये पेज खुल के आता है, इसमें मुझे दिया होता है पैन नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, वही मेरी रिटर्न से रिलेटेड डिटेल्स, और आपने रिफंड कितना क्लेम किया हुआ है, असेसमेंट ईयर 2023 क्या है। अब देखो उसने मुझे दो ऑप्शन, मर्जी है मैं किसको एग्री करती हूँ और किसको डिसएग्री करती हूँ। देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है वो, प्लीज सिलेक्ट वन ऑफ द बिलो रिस्पॉन्सेज। आपको एक जो है रिस्पॉन्स आपको सिलेक्ट करना है। सबसे पहला क्या है, द क्लेम और रिफंड इज करेक्ट टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव। देखो वो क्या कह रहा है कि जो मैंने अपनी, सबसे पहले आपको अगर लगता है कि आपने जो इनकम टैक्स की रिटर्न में जो भी रिफंड या फिर जो भी क्लेम की है वो इन ऑल रिस्पेक्ट बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप क्या करेंगे इसको अपना क्लिक करके और सबमिट कर देंगे रिस्पॉन्स। मतलब मैंने जो आपको केस बताया था कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, आपकी जो डिडक्शन है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन फॉर्म 16 में इसलिए नहीं शो हो रही क्योंकि आपने एम्प्लॉयर को देना भूल गई या एम्प्लॉयर के बिहाफ पे कोई गलती हो गई हो, उस केस में आपकी जो मिसमैच आ रही है वो है, तो उस केस में आपको पैड डॉक्यूमेंट है सारे सपोर्टिंग है, तो आपको डरने की तो जरूरत है ही नहीं। तो उस केस में क्या करोगे आप, क्लेम कह दो कि ठीक है मैंने जो रिफंड लिया है वो बिल्कुल करेक्ट लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन केस अगर उसको कुछ ऑब्जेक्शन है कुछ भी होता है तो आप उसके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीजें आपके पास है तो आप उसको सबमिट भी करा सकते हो। अगर आपको लगता है आपकी सारी चीजें ठीक है तो आप ये वाला ऑप्शन कर देंगे सिलेक्ट और सबमिट कर देंगे रिस्पॉन्स। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरी जो डिटेल्स ठीक नहीं है, मैंने आपको पता है कि आपने फेक कुछ डिडक्शंस ली है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको करना पड़ेगा रिटर्न ऑफ इनकम बींग रिवाइज वेयर इन करेक्ट क्लेम ऑफ रिफंड शैल बी मेड। उस केस में आप बोलते हो डिपार्टमेंट को कि मैं जो रिटर्न ऑफ इनकम है अपनी रिवाइज कर दूंगा, ठीक है मिसमैचेस फॉर्म 16 और मेरी रिटर्न में मैं एग्री करता हूँ वो सही है बिल्कुल, वो मिसमैचेस मैंने गलत ले लिया इनकम टैक्स रिटर्न में, इतना क्लेम नहीं बनता था, इतना रिफंड नहीं बनता था जो मैंने ले लिया, तो इस केस में वो आप इस केस में मान जाते हैं कि ठीक है मैं जो है रिटर्न को फिर से रिवाइज करूंगा, तो उस केस में आप क्या करोगे इसको क्लिक करके और सबमिट कर दोगे रिस्पॉन्स। तो बेसिकली आपके पास डिपार्टमेंट ने दो ऑप्शन दे दिए, आपकी मर्जी है। आपके पास अगर आपको लगता है कि आपकी रिटर्न इन एक्यूरेट इन ऑल रिस्पेक्ट एक्यूरेट है तो आप ये वाला क्लिक कर दोगे। अगर आपको पता है कि आपने फेक डिडक्शंस ली हुई है, आपके पास कुछ भी डिडक्शन रिलेटेड कुछ भी नहीं है, तो उस केस में आप ये वाला करके और अपनी रिवाइज रिटर्न फाइल करोगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी आपके पास मेल आए तो विद इन 30 डेज यू हैव टू रिप्लाई। अगर आप 30 डेज को 30 डेज में रिप्लाई नहीं करोगे तो आपकी जो इनकम टैक्स की रिटर्न है वो प्रोसेस नहीं होगी। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपने रिप्लाई कर दिया तो आपकी रिटर्न प्रोसेस हो जाएगी। और अगर आप बिल्कुल ठीक हो, आपका रिफंड बिल्कुल ठीक है, आपका क्लेम बिल्कुल ठीक है, तो इस मेल को देख के डरना नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, अपना इनकम टैक्स की लॉगिन खोल के यहाँ पर आपको करना है क्लिक और करना है सबमिट रिस्पॉन्स, ठीक है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी रिजॉल्व करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।